काला हो जा रहा अंदर का, काला हो जा रहा एशिया न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अबूजर गफारी और अभी मैं मौजूद हूं रांची के जिला स्कूल में। जैसा कि मैं आपको जानकारी दे दूं, कोरोना का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ते चला जा रहा है और सरकार ने बहुत सारे सेंटर बना करके रखे हैं जहां पे कोविड टेस्ट कराया जा रहा है। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि यहाँ पे 100 किट दिया गया था, जो कि और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनका जो है कोविड 19 का टेस्ट नहीं हो पाया और लोग जो है अपने घरों के लिए जो है निकल पड़े हैं और जो है मायूसी के साथ घर वापस लौटना पड़ रहा। और ख़ास करके महिलाएं वक्त निकाल करके आती है, चूँकि कोरोना का महामारी भी चल रहा है और बहुत ही टाइम निकाल करके यहाँ पे आती है। और यहाँ पे आने के बाद बताई कि हम लोगों का जो है टेस्ट नहीं हो पाया है, चूँकि यहाँ पे 100 किट जो है दिया गया था, लेकिन वो सरकार से मांग कर रही हैं कि 100 से अधिक किट दी जाए। तो अब मैं यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जो कि यहाँ पे कोविड 19 का टेस्ट कर रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर क्या कहेंगे? सर सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सर कितने लोगों का कोविड टेस्ट हुआ है? 100 लोग का हुआ था, 100 किट मिला, 100 टेस्ट हो गया, तो बस 100 ही किट मिला। हाँ 100 ही मिला था, कल तो 50 मिला था, आज 100 मिला। तो सर बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ से वापस जाना पड़ रहा है, तो आप सेंटर से बात कीजिएगा ना सर। हम लोग को जितना मिलेगा उतना ही टेस्ट कर पाएंगे, 1000 देंगे तो शाम तक करेंगे, 100 मिलेगा 100 ही तक करना पाएंगे, उसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते हम। वहाँ से भी गए तो वहाँ बोले 45 का ही किट आया था और यहाँ आए तो बोल रहे हैं 50 का, तो ऐसे तो होगा नहीं। हम लोग को जब आम जनता को अगर हमारे सरकार सुविधा दे रही है तो और भी दे, यहाँ की मात्रा को बढ़ाए। और हर लेडीज तो डेली मतलब घर छोड़ छोड़ कर आ नहीं सकती ऐसी परिस्थिति में। तो आप देख सकते हैं जो है ये नज़ारा है आपका रांची के जिला स्कूल का। मैं आपको जानकारी दे दूं कि यहाँ पे कोविड 19 का जो है टेस्ट कराया जा रहा है। लगातार 100 किट यहाँ पे दिए गए थे जो कि सारे लोगों का टेस्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोरोना महामारी चल रही है और जो है गंदगी का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंबार लगा हुआ है। इसमें रांची नगर निगम को ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ नर्स मौजूद हैं तो उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम नमस्कार, क्या कहेंगे मैडम, यहाँ पे आप लोगों को किस तरह से सुविधा दी जा रही है? यहाँ तो साफ़ सफाई नहीं हो रही, मेन तो वही अभी कोरोना का माहौल है, साफ़ सफाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साफ़ सफाई नहीं होगा तो हम लोग भी बीमार हो जाएंगे, हम लोग भी बीमारी लेके घर चले जाएंगे, पता चला अगल बगल सबको बीमार कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पे मैडम जो है सही बात बता रही हैं कि यहाँ पे सफाई की जो है सफाई का यहाँ पे होना चाहिए और रांची नगर निगम को इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ते चला जा रहा है और गंदगी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो जो यहाँ पे टेस्ट कराने के लिए भी आ रहे हैं या जो टेस्ट कर रहे हैं उनको जो है साफ़ सुथरा भी रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी हो, सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ते चला जा रहा है। तो रांची नगर निगम को इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और बहुत सारे परिजन जो है यहाँ से मायूस घर लौट करके गए, चूँकि 100 ही किट यहाँ पर दिया गया था, तो यहाँ पे और भी किट देने की ज़रूरत है ताकि के लोग अपना अच्छा से यहाँ पे टेस्ट करा सके। आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें, एशिया न्यूज़ के माध्यम से आपको खबरें मिलती रहेगी। मैं अबूजर गफारी, कैमरामैन नौजिस के साथ, एशिया न्यूज़ इंडिया रांची।